नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो, गांधी विचार संस्कार परीक्षा जो कि जिला स्तर पे 19 दिसंबर को होने वाली है, इसका टाइम रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा होने वाली परीक्षा है दोस्तों। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताई दिया था आपको। इसके लिए आपके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का पेपर होगा। 2 से 3 बजे का पेपर है और ये आपके या तो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे पेपर होगा, और जिला स्तर पे नहीं होगा तो ब्लॉक, यानी बच्चे अगर ज़्यादा होंगे उस ब्लॉक के अंदर तो ब्लॉक स्तर पे पेपर होगा। तो लगभग सुविधाएं जो ब्लॉक स्तर पे इसमें रखी गई है, फिर भी अगर आपके इस ब्लॉक के अंदर मान लिया जाए स्टूडेंट कम है तो जिला स्तर पर रखी गई है। इस परीक्षा के लिए दोस्तों आपको जो जिला लेवल पे फर्स्ट आएगा उसको स्कूटी दी जाएगी, सेकंड नंबर पे आएगा उसको साइकिल, और थर्ड नंबर पे आएगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा सेकेंड नंबर वाले को लैपटॉप और थर्ड नंबर वाले साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर 100 सांत्वना पुरस्कार के रूप में मग रखे गए हैं, और ये राजस्थान सरकार की तरफ से परीक्षा ली जा रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आयोजन कर रहा है, तो इसके बोर्ड के पेपर लगभग तैयार हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 17 तारीख को वितरण हो जाएगा। जिन स्कूलों के अंदर सेंटर बनाए गए हैं जिला लेवल पर उनके लिए ये वितरण जो होगा 17 या 18 तारीख को पेपर का वितरण होगा, और 2 से 3 बजे के बीच में पेपर होगा। अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, वो कैसे करने हैं, कौन सी साइट से करने हैं, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आपको बता देते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रकार के वीडियो अगर आप रेगुलर पाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले और समय पर आप वीडियो देख सको, और वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों और शेयर सबको करें ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। चलिए दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट में आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है rajeduboard.rajasthan.gov.in। इस साइट पे जैसे ही आप आओगे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद में यहाँ पर जो दोस्तों दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एडमिट कार्ड, नॉमिनल रोल नंबर, सेंटर, मेटेरियल, पोर्टल, ये गांधी विचार परीक्षा 2019, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करोगे आपको ये अपने लॉगिन डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जहाँ से आपको लॉगिन करना है पासवर्ड और आईडी से। तो यहाँ पर आपको स्कूल लॉगिन के अंदर जो बोर्ड बोर्ड के आप 8वीं का आपकी बार नहीं है लेकिन 10वीं के और 12वीं के फॉर्म भरते हो, वही लॉगिन आईडी आपको डालनी है और पासवर्ड आपको डालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बारे में, और यहाँ इसका प्रेस नोटिफिकेशन इधर दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हो अच्छी तरह से भी प्रेस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो यहाँ आप सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने बना रखे उसको एंटर करके और लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद में आपको एक नया पेज पर ये ले जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप दोस्तों देखिए, दोनों जिन कक्षाओं के एग्ज़ाम करवाने हैं उनके लिए यहाँ पर आप दो टैब दिखाई देंगे, एक तो 9th की और एक 11th की। तो जिस क्लास के लिए आपके स्टूडेंट का आप कर रहे हो उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले प्रिंट नॉमिनल रोल नंबर, प्रिंट एडमिट कार्ड, और यहाँ पर सेंटर वाइज रोल नंबर, और प्रिंट अटेंडेंस शीट, और आपकी सीटिंग प्लान। ये जो चीज़ें हैं ये आपको केवल सेंटर, जिन स्कूलों के अंदर सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के लिए लागू होगा, और बाकी ऊपर वाला है हर स्कूल के अंदर जिन्होंने आवेदन किया है इस परीक्षा के लिए उन सभी के लिए लागू होगा। तो सबसे पहले आपको ये लिस्ट डाउनलोड कर लेनी ऊपर वाली, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके नीचे 10 बच्चों की, क्योंकि आपके स्कूल में 10 बच्चे 9th के और 10 बच्चे 11th के शामिल हुए, तो उनका इस प्रकार से आपकी लिस्ट शामिल हो जाएगी। और यहाँ इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो रोल नंबर दिया जाएगा, फिर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मीडियम, सेक्स, और यहाँ पर ये जो है स्पेशल ये दिया गया है, और सीक्वेंस सीरियल नंबर जो दिया गया वो ठीक है दोस्तों। और इसका सेंटर साथ में ऊपर आपके स्कूल का नाम दिया जाएगा, स्कूल के नाम के नीचे जो है उसका स्कूल का सेंटर, यहाँ पर ये दिया जाएगा सेंटर। जैसा कि मेरे स्कूल का जो सेंटर्स है वो मेरे ब्लॉक के अंदर ही आया है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर आवेदन ज़्यादा हुए हैं इसलिए ठीक है। ये आप यहाँ से प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट कर लें, ये काम हो गया। अब आप बैक स्पेस पे जाएं, बैक स्पेस पे जाने के बाद 2 नंबर आपको रोल नंबर जो है प्रिंट एडमिट कार्ड करने हैं, तो एडमिट कार्ड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगी, इसमें आपके बच्चे का नाम और रोल नंबर इस प्रकार से दिखाई देंगे। अगर एक एक बच्चे का करना चाह रहे हो आप तो इस पर आप टिक मार्क करो, एक पे टिक मार्क किया और आप पे ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर लो। अगर सभी का करना चाह रहे हो तो सभी पे आप 10 के 10 पे आप इस प्रकार से चेकबॉक्स पे राइट का सिंबल लगा दें, इसको चेक करें, और चेक करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसमें हर बच्चे का इस प्रकार से एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा।
तो यहाँ एडमिट कार्ड के नीचे आप थोड़ा सा देख लें, इसमें इंट्रैक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रैक्शन के अंदर दिया है कि साला प्रधान प्रमाणित प्रवेश पत्र दिखाने पर ही, यानी प्रमाणित करना है, और परीक्षार्थी उपरांत 1:30 बजे परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति देवे। उत्तर पत्रक OMR शीट के प्रत्येक चौखाना में, चौखाने के अंदर आपको नीले और बाल पेन से जो है गोला करना है गहरे लाल पेन से, और उत्तर पत्रक OMR शीट के चौखाने में लिखने पर केवल कैपिटल लेटर्स या अंकों का प्रयोग करें। प्रत्येक चौखाने के नीचे उसी से संबंधित अक्षर या गोले को नीले पेन से गहरा करें, यानी उसको आपको गोला करना है इस प्रकार से। और इसमें पेन कैसा यूज होगा, नीले और काला। उत्तर पत्रक OMR शीट में सही विकल्प में गोले को गहरा नहीं करने की स्थिति में स्कैनर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि स्कैनर से चेक होगी, इसलिए आपको एक से अधिक गोले आपको नहीं भरने हैं। साथ में इस परीक्षा के अंदर गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और OMR शीट को मोड़ना या फाड़ना नहीं है, इसके लिए आलपिन का प्रयोग भी नहीं करना। तो OMR शीट आपको परीक्षा के अंदर दी जाएगी, जिसमें 60% के लिए आपको दिया जाएगा, और OMR शीट के अंदर ये इस प्रकार से जैसे कि दिखा रखा है वो बताया जाएगा। इसमें आपको रोल नंबर देखने हैं, तो रोल नंबर का टाइम पीरियड यहाँ पर आप देखिए, डेट और यहाँ पर टाइम और एग्जाम सेंटर और नेम, और सबसे ऊपर इधर साइड में दे दिया रोल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप आसानी से बच्चों को दे दीजिए और इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।